हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर जो पैटर्न मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये देखा हुआ पैटर्न है, लेकिन इसे थोड़ा सा मैंने चेंज करके बनाया है एक जो है सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। तो पहले तो मैं उनका जो भेजा हुआ वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखिएगा। Hi knitters, I'm Reshma. I am also very much fond of knitting. This sweater I bought from market and asked many knitters for the tutorial, but nobody did this job for me. Everybody failed. Then I found the owner of Knitting Knife Crochet Paradise, Chinky. She did this tutorial for me. I'm really really thankful to her. Thank you Reshma Jain di. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पैटर्न को बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 14 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा, 14 के मल्टीपल फंदे और 3 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। मैंने यहाँ पे 31 फंदे लिए हैं और ये हमारा 24 सिलाई का पैटर्न है, 24 रोज का, जिसमें से हमने रॉन्ग साइड रोज उल्टी बुननी है, तो यानी कि 12 रोज में ही हमारा पैटर्न बनेगा। 12 ही सिलाई में ये पैटर्न बनेगा, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो वन राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है। देखिए, उसके लिए हमने क्या करना है, 5 बार हमने फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स। कैसे करेंगे, पहले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो ये पीछे वाला फंदा है इसे एक बार फिर से बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमने देखिए इस तरह से राइट को ट्विस्ट कर लिया, एक बार किया, 4 बार और हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, पहले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, निट टू टुगेदर विदाउट ड्रॉपिंग, निट द सेकेंड स्टिच अगेन। ये देखिए, ये हम 5 बार इस तरह से कर लेते हैं, 3, 4 एंड 5। तो 5 टाइम्स हमने जो है इसे राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे इसके बाद। नेक्स्ट 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने एक बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, 5 बार राइट को किया, एक फंदा सीधा बुना, अब एक बार लेफ्ट को। लेफ्ट के लिए हम पहले एक फंदे को इस तरह से घुमा कर रखेंगे, फिर जो पीछे वाला फंदा है उसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे, और फिर इन दोनों फंदों को, पहले और दूसरे फंदे को, एक साथ बैक लूप से सीधा बुनकर इस तरह से लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। तो ये हमने एक बार कर लिया। अब फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुना था, इसके बाद ये जो 14 फंदे हैं इन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, फिर से हम 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, आपको ये जो है स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टिच आपका आगे पीछे हो जाता है तो आपका पूरा पैटर्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपको जो है वीडियो को साथ के साथ स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने 4 टाइम्स कर लिया, एक बार फिर करेंगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ये 5 बार हमने जो है राइट को ट्विस्ट किया। अब फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1, और फिर से हम एक बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट को ट्विस्ट करने के 3 स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। पहले हम इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे, फिर दूसरे फंदे को पहले बुन लेंगे बैक लूप से, और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे बैक लूप से। और इसे आपने धागे को टाइट नहीं रखना है फ्रेंड्स, तो आपका पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। जब आप बुनते हैं देखिए, तो आपने इस तरह से लूप को आगे तक इस तरह लूज
खींच के धागा फिर रखना है। तो ऐसे हमने ये लेफ्ट को ट्विस्ट किया, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 14 फंदे बार बार रिपीट करते हुए जाना है और लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। हर रॉन्ग साइड में हमने फंदों को उल्टा ही बुनना है। तो मैं आपको अगली जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ हैं फ्रेंड्स, वो हम अब स्लिप जो है स्किप करते जाएंगे, मैं आपको वो नहीं बताऊंगी अब। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये रो 2 उल्टे बुन चुके हैं हम। अब रो 3 तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमने 2 फंदे सीधे बुने, पहले एक बुना था, इस बार 2। स्लिप 1 निट 2। अब हमने पहले ये 5 बार जो थे राइट को ट्विस्ट किए थे, इस बार ये हम 4 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट राइट 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4। 4 टाइम्स हमने ये राइट को ट्विस्ट किया। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, नीट 1। और इस बार हमने देखिए, पहले हमने 5 बार राइट को किया था, इस बार हम 4 को कर रहे हैं। यहाँ हमने एक बार लेफ्ट को किया था, इस बार हम 2 बार करेंगे, यानी कि राइट वाले डिक्रीज हो रहे हैं और लेफ्ट वाले इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखिए, तो ये 2 बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे, 1, 2। एक फंदा सीधा, यही हमने अब बार बार रिपीट करते हुए जाना है। देखिए, राइट को ट्विस्ट 4 बार, ट्विस्ट टू राइट 4 टाइम्स, वन, ट्विस्ट लेफ्ट 2 टाइम्स। कीप रिपीटिंग दिस 14 स्टिचेस। ये 14 फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा एच स्टिच, जिसे हम सीधा बुन लेंगे, नेट एच स्टिच। तो फिर हमने 3rd रो कंप्लीट की, 4th रो उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 5th, 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमने यहीं से जो है लेफ्ट को ट्विस्टिंग शुरू करनी है, ट्विस्ट टू लेफ्ट वंस। इस तरह से एक बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, वही 3 स्टेप्स। अब एक फंदा हम सीधा बनेंगे, 1। और इस बार हमने राइट को 3 बार ट्विस्ट करना है, पहले 5 किया था फिर 4 किया था, अभी हम 3 टाइम्स राइट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट 3 टाइम्स, 1, 2, 3। फिर एक फंदा सीधा, 1। इस बार हमारे जो है ये सबसे इजी रो है। देखिए, 3 बार हमने राइट को ट्विस्ट किया और ये हमारा पहले 1 था, 2 था, अब ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 बार ये हम जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट 2 लेफ्ट 3 टाइम्स, 1, 2, 3।
ये हम फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा निट वन, ट्विस्ट टू राइट थ्री टाइम्स, निट वन, ट्विस्ट टू लेफ्ट थ्री टाइम्स, तीन बार राइट को, एक फंदा सीधा, तीन बार लेफ्ट को, फिर एक फंदा सीधा। तो ये हम 14 फंदे बार बार रिपीट करते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तीन राइट को, एक सीधा, इस तरह से लास्ट में हमारे जो है ये 2 फंदे राइट को आएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक ही फंदा बचेगा। तो हमने ये 2 फंदे लेफ्ट को ट्विस्ट करने हैं, ट्विस्ट टू लेफ्ट ट्वाइस इन द लास्ट 5 स्टिचेस। ये देखिए 1 2, क्योंकि एक तो हमारा एड स्टिच है जिसे हमने कभी भी पैटर्न में काउंट नहीं करना होता है, तो हमने एड स्टिच से पहले एक ही फंदा रह रहा है हमारा, इसे हम ऐसे ही सीधा बोल लेंगे, नीट वन नीट द एड स्टिच। तो ऐसे हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे, रो 5th। अब 6th रो, सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 7, सातवीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा अब हम सीधा बुनेंगे, निट वन, फिर एक बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट वंस। ये हमने लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया, फिर एक फंदा सीधा, निट वन। अब देखिए पैटर्न रिपीट, पहले हम 2 फंदे राइट को ट्विस्ट करेंगे 2 बार, ट्विस्ट टू राइट ट्वाइस, 1 2, एक फंदा सीधा, निट वन। अब इस बार हमारे ये कम होंगे और ये बढ़ेंगे, तो ये 3 थे, ये 3 थे, ये 2 रह गए, ये 3 थे, ये 4 हो जाएंगे, ट्विस्ट लेफ्ट 4 टाइम्स। वन, टू, थ्री, फिर एक फंदा सीधा, निट वन, एंड कीप रिपीटिंग दिस 14 स्टिचेस। फिर ट्विस्ट टू राइट ट्वाइस, 2 बार राइट को ट्विस्ट, 1 2, निट वन। और इस बार हमारे क्योंकि लेफ्ट को कम होते हो गए हैं, तो 4 की जगह ये हमारे 3 रह जाएंगे, ट्विस्ट टू वो लास्ट में रहेंगे, बीच में हमने 4 ही बुनते जाना है राइट जो लेफ्ट को, लास्ट में हमने 3 बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, 1 2 3, सॉरी। तो 3 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट किया, उसके बाद हम एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे, निट द एच स्टिच। तो ये हमने 7th रो, सातवीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट की। और देखिए हमारा पैटर्न अब थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हो गया है। अब फिर सारे फंदे उल्टे बनेंगे 10th रो में, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 9th, नौवीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इसके बाद हमने लेफ्ट को 2 बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 2 टाइम्स, 1 2, टू। अब हमने फिर से एक फंदा सीधा बुनना है, निट वन,
इस बार हमने राइट को एक बार ही ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू राइट वंस, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे नेक्स्ट वन। इस बार हमारे लेफ्ट को 5 टाइम्स हो जाएंगे, 5 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। देखिए ट्विस्ट टू लेफ्ट 5 टाइम्स दिस टाइम, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 टाइम्स हमने लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1। यही हमने फिर से रिपीट करना है। एक बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, एक धागा सीधा, एक फंदा सीधा, फिर 5 टाइम्स लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ऐसे बुनते जाएंगे। लास्ट में हमने राइट को एक बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू राइट वंस, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे नेट 1, फिर लेफ्ट को 3 बार ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स, 1, 2, 2 एंड 3। तो ये हमने 3 बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया। लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा पैटर्न का और एक फंदा रहेगा एच का, तो ये हम दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, नीट द पैटर्न स्टिच, नीट द एच स्टिच। तो ये हमने 9th रो कंप्लीट कर ली। 10th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब देखिए रो 11, 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे नीट 1। अब हमने लेफ्ट को 2 बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 2 टाइम्स, 1, 2। फिर चार, इस बार हमारे यहाँ पे 4 फंदे सीधे आने हैं। देखिए 11th रो में 4 स्टिचेस विदाउट ट्विस्टिंग, 4 स्टिचेस, 4 फंदे हमने ऐसे ही सीधे बुन लिए। अब हमने लेफ्ट को 5 बार फिर से ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने 5 टाइम्स लेफ्ट को ट्विस्ट किया। अब 4 फंदे सीधे बनेंगे नेट 4, यानी कि इस रो में हमने राइट को एक भी फंदा ट्विस्ट नहीं करना है और लेफ्ट को ही हम ट्विस्ट करते जाएंगे, 4 4 फंदे सीधे बुनते जाएंगे नीट 4, फिर 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट, यही हमने रिपीट करना है। लास्ट में हमारे 3 फंदे लेफ्ट को ट्विस्ट होंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स एट द एंड ऑफ द रो, 1, 2, 3 एंड नीट द एच स्टिच। एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 12th रो कंप्लीट की, अब सॉरी 11th रो कंप्लीट की, 12th रो फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल।
अब देखिए रो 13th 13वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम तीन बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। अब ये हमारे बढ़ते जाएंगे इस तरफ को, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 times, 1, 2, 3। एक फंदा सीधा बुनेंगे जो हमने ये 4 सीधे बुने थे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने राइट को ट्विस्ट करने स्टार्ट करना है, तो एक बार हम राइट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट वंस, फिर एक फंदा सीधा, फिर लेफ्ट को 5वां ट्विस्ट, नीट 1, ट्विस्ट टू लेफ्ट 5 times, 1। अभी हम ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5। फिर से हमने ये 14 स्टिचेस 14 फंदे रिपीट करते हुए चलना है, और लास्ट के हमारे जब 4 फंदे रहेंगे, पहले हम ये रिपीट करते जाएंगे, जो है एक फंदा सीधा, एक फंदा राइट को ट्विस्ट, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट 2, 1, 2, 3। और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, एक पैटर्न का और एक एच स्टिच, नीट द पैटर्न स्टिच, नीट द एच स्टिच। तो ये हमने 13th रो कंप्लीट की, और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बीच में गैप आ गया। अब 14th रो सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल। रो 15th 15वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1। अब 2 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 2, 1, 2। एक फंदा सीधा, 1। अब हमने राइट को देखिए, ये अब हमारे बढ़ेंगे राइट वाले, तो ट्विस्ट टू राइट 2, 2 बार हम राइट को ट्विस्ट करेंगे, 1, 2। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, नीट 1। और इस बार हमारे ये 5 थे, अब ये 4 हो जाएंगे, ये हमारे बढ़ने लगे और ये हमारे अब घटने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। तो उसके लिए हम 4 बार ये करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट 4 times, 1, 2, 3 and 4। फिर एक फंदा सीधा, नीट 1, एंड कीप रिपीटिंग दिस 14 स्टिचेस। लास्ट में हमारा जो है 2 फंदे राइट को ट्विस्ट होंगे, ट्विस्ट राइट 2 times, 1, 2।
knit 1, एक फंदा सीधा, अब twist to left 2 times, दो बार हम left को twist करेंगे last में, क्योंकि 4 ही फंदे हमारे रह गए हैं, स्टिच से पहले हमारे 4 फंदे रह गए हैं पैटर्न के, तो हम 2 बार इन्हें लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट एच स्टिच। ये हमारी 15th row कंप्लीट हो गई, वी हैव कंप्लीटेड द 15th row, 15वीं सिलाई। अब 16वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल। अब देखिए 17th row, 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हम लेफ्ट को 2 बार ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट ट्वाइस, 1, 2। एक फंदा सीधा, निट 1, और राइट को इस बार हम 3 बार ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट को भी 3 बार ट्विस्ट करेंगे, तो ट्विस्ट टू राइट 3 times, निट 1, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 times, निट 1। यही हमने बार बार रिपीट करना है, 3 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3, knit 1, twist to left 3 times, 1, 2, थ्री, ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर लेफ्ट को 3 बार, सॉरी राइट को 3 बार, 1, तो पूरी रो में हमने ये करना है, 3 बार लेफ्ट को एक फंदा सीधा, 3 बार राइट को एक फंदा सीधा, देखिए 1, 2 और ये 3। ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में हमारा एक फंदा जो है वो लेफ्ट को ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट टू लेफ्ट 1, एक फंदा हम एच का सीधा बुनेंगे, सॉरी पैटर्न का सीधा बुनेंगे, एक फंदा हम एच का सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 17th row कंप्लीट कर ली, 18th row फिर सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल द स्टिच। अब देखिए 19th row, 19वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, निट 1, अब हमने एक बार लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 1, फिर एक फंदा सीधा, निट 1। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, देखिए ट्विस्ट टू राइट 4 times, 4 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा सीधा, निट 1, अब 2 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट 2, 1, 2, फिर एक फंदा सीधा, निट 1। रिपीट दिस 14 stitches। ट्विस्ट टू राइट 4 times, 1, 2, 3,
4. वन, एक फंदा सीधा, फिर लेफ्ट को एक बार ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट वंस और उसके बाद एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे, नीट द एच स्टिच। तो ये हम 19th रो कंप्लीट कर चुके हैं। 20th रो 20वीं सिलाई, पर्ल और उल्टे फंदे सारे बुन लेंगे। अब देखिए रो 21 21वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब एक बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। इस बार हमारा अब लेफ्ट की ट्विस्टिंग जो है वो कम होती जाएगी, तो ये एक ही बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट वंस अब हम एक फंदा सीधा बनेंगे, नेक्स्ट वन। अब हमने राइट को 5 बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर एक फंदा सीधा, इट वन, ट्विस्ट टू लेफ्ट वंस, एक बार लेफ्ट को, वन। फिर एक फंदा सीधा, तो ये हमने फिर से यहां से जो हमने 5 बार ट्विस्ट किया था राइट को, वहां से लेके इस एक फंदा सीधा तक बार बार रिपीट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव। एक फंदा सीधा, और क्योंकि लास्ट में हमारा एक ही फंदा बचा है तो इसे भी हम सीधा बुन लेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 21st रो 21वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 22वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब देखिए हमारी एक ही सिलाई जो है मेन रह गई है, ये है 23rd रो 23वीं सिलाई, 23rd रो स्लिप वन, एक फंदा स्लिप किया, दो फंदे सीधे बनेंगे, निट टू स्टिचेस, वन टू। अब 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 4 स्टिचेस, वन टू थ्री फोर, ये देखिए। और यही हमने 14 फंदे रिपीट करने हैं, 5 बार राइट को ट्विस्ट, 4 फंदे सीधे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, नीट 4 स्टिचेस, कीप रिपीटिंग दीज 14 स्टिचेस, 1 2 3 4 5। चार फंदे सीधे, नीट 4। तो ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे 4 फंदे ये वाले सीधे ही आएंगे, ये देखिए। तो ऐसे हमने 23rd रो 23वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है।
और हमारा पैटर्न अब बन गया है। 24th रो 24वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए हमने ये टोटल 24 रोज 24 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं बनाकर। यही 24 रोज 24 सिलाई हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। 14 फंदे बार बार रिपीट होंगे और 24 सिलाइयाँ बार बार रिपीट होंगी। तो देखिए जब हम इन्हें इस तरह से बुनते जाएंगे तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये ओपन बास्केट वीव पैटर्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये बहुत डिफरेंट है और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी सी लुक देता है। और जो कार्डिगन का उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था फोटो, वो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनने के बाद दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखता है, हल्का हल्का सा बैक साइड से भी ये इफेक्ट देता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और बहुत ही प्यारा सा लगता है बनने के बाद। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो को फॉलो करना होगा, क्योंकि आपका फंदा एक भी आगे या पीछा पीछे हो गया तो आपका ये पैटर्न गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और मेरी मेहनत अगर आपको सच में ही अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो पे ज़रूर बनता है। तो थैंक यू।